टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इमोजीन एम किंग्स थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट, राइट? दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज किंग्स थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट, राइट? सो लेट्स बिगिन. इमोजीन किंग वॉज अ पायनियर इन नर्सिंग एंड रिनोन्ड फॉर हर डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी, द थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट. ठीक है, अभी जो इमोजीन किंग थी, ठीक है, उन्होंने एक नर्सिंग थ्योरी को बनाया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट. ठीक है, द थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट स्टेट्स दैट नर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्शन, रिएक्शन एंड इंटरैक्शन, देयर बाय नर्स एंड क्लाइंट शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर परसेप्शन इन द नर्सिंग सिचुएशन. ठीक है, ये थ्योरी किस पे फोकस करती है कि जो नर्सिंग है वो एक प्रोसेस है एक्शन का, कि नर्स क्या एक्शन लेती है, ठीक है, उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका असर क्या होता है, और पेशेंट और नर्स में इंटरेक्शन कैसे होती है. ठीक है, जब पेशेंट और नर्स जो है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. ठीक है, आगे है इसके मेटा पैराडाइम्स के बारे में बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू किंग नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्शन, रिएक्शन एंड इंटरेक्शन, वेयर बाय नर्स एंड क्लाइंट शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर परसेप्शंस इन द नर्सिंग सिचुएशन. ठीक है, नर्सिंग के बारे में क्या बोला है किंग ने, कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक्शन होता है, नर्स क्या मेजर्स लेती है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए, उसका क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, और जो इंटरेक्शन है नर्स और क्लाइंट के बीच में, ठीक है, वो कैसी है इंटरेक्शन. ठीक है, जब जो पेशेंट है अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है नर्स के साथ, ठीक है, नर्स उसको कैसे परसीव करती है या फिर पेशेंट कैसे परसीव करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को. ठीक है, आगे है हेल्थ. हेल्थ के बारे में क्या बोला है किंग ने, हेल्थ इज अ डायनेमिक यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, चेंजिंग प्रोसेस है, लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ अ ह्यूमन बींग विच इम्प्लाइज कंटिन्यूस एडजस्टमेंट टू द स्ट्रेसेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू ऑप्टिमम यूज ऑफ वन्स रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर डेली लिविंग. ठीक है, हेल्थ के बारे में क्या बोला है इमोजीन किंग ने, कि ये जो इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, और उसकी कैपेबिलिटी है एडजस्ट करने की एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रेसेस के साथ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम रिसोर्सेज, ताकि जो मैक्सिमम पोटेंशियल है डेली लिविंग का वो अचीव कर सके. ठीक, आगे है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के बारे में क्या बोला है, आर द सोशल बींग्स हु कम्युनिकेट देयर थॉट्स, एक्शंस, कस्टम्स एंड बिलीफ थ्रू लैंग्वेज. लैंग्वेज के थ्रू ही वो अपने एक्शन, थॉट्स, कस्टम्स, बिलीव्स, रीति रिवाज वगैरह वो शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दूसरे को. दे आर कॉल्ड इंडिविजुअल्स. ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में क्या बोला है अकॉर्डिंग टू किंग, एनवायरनमेंट क्या है, इट इज़ द बैकग्राउंड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन. ठीक है, एनवायरनमेंट वो है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. ये बोथ हो सकते हैं एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल टू द इंडिविजुअल. ठीक है, आगे क्या है एक्शन के बारे में क्या बोला है, इट इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर्स इन्वॉल्विंग मेंटल एंड फिजिकल एक्शन. ठीक है, ये बिहेवियर का सीक्वेंस है जिसमें कि दोनों फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, आगे रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड बट माइट बी कंसीडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर डिस्क्राइब इन द एक्शन. ठीक है, एक्शन के बिना पे क्या रिजल्ट आया है उसको हम बोल देते हैं रिएक्शन. ठीक, आगे इंटरैक्टिंग सिस्टम्स ऑफ थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट. इंटरैक्टिंग सिस्टम्स देखो कौन से हैं. ठीक है, थ्री इंटरैक्टिंग सिस्टम है अकॉर्डिंग टू किंग, राइट? कौन से हैं वो, पर्सनल सिस्टम, इंटरपर्सनल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम. आप डायग्राम देख सकते हो और ये एग्जाम में बना के भी आ सकते हो. ठीक है, आगे है पर्सनल सिस्टम के बारे में क्या बोला है किंग ने, ईच इंडिविजुअल इज अ पर्सनल सिस्टम. ठीक है, इंडिविजुअल अपने आप में ही पर्सनल सिस्टम है, चाहे वो इंडिविजुअल नर्स है, चाहे वो पेशेंट है. ठीक है, किंग स्पेसिफाइड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, अब कौन से कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने स्पेसिफिकली लिया अपने थ्योरी में. नंबर वन इज बॉडी इमेज, सेकेंड इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, परसेप्शन, सेल्फ, स्पेस एंड टाइम. ठीक है, इनको इंक्लूड किया है उन्होंने अपने पर्सनल सिस्टम में. अब बात करते हैं इंटरपर्सनल सिस्टम्स की. दिस सिस्टम इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, इंटरपर्सनल का मतलब ही क्या है, इंटरेक्शन. ठीक है, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. अगर दो जने इंटरेक्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डायट, तीन कर रहे हैं तो ट्रायड, फोर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फोर से ज़्यादा है तो हम उनको बोलते हैं स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट्स क्या है इसमें इंटरपर्सनल सिस्टम के, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के बाद कम्युनिकेशन, फिर ट्रांजैक्शन, फिर रोल एंड स्ट्रेस. ठीक है, आगे सोशल सिस्टम्स की बात करें तो क्या होते हैं सोशल सिस्टम, अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंटरैक्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स दैट मेकअप सोसाइटी रेफर टू एज द सोशल सिस्टम. सोशल सिस्टम्स क्या है, एक ग्रुप है पूरा लोगों का जो इंटरैक्ट करते हैं आपस में, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, सोसाइटी. ठीक है, उस वो आते हैं हमारे सोशल सिस्टम्स के अंदर. इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, पावर,
स्टेटस एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इमोजिन किंग्स थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.